कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा लगातार जारी है। इन दिनों कांग्रेस की न्याय यात्रा झारखंड में चल रही है। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि पब्लिक सेक्टर यूनिट हिंदुस्तान की जनता की प्रॉपर्टी है, लेकिन मोदी सरकार इन्हें चुनिंदा 2-3 अरबपतियों को पकड़ा रखी है। तो राहुल गांधी ने देखिए एक बार फिर से मोदी सरकार पर हमला बोला है। लगातार यात्रा में हिस्सा ले रखे हैं, अलग अलग राज्यों से यात्रा गुजर रखी है। झारखंड पहुंचे भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने बीजेपी पर हमला बोला है। खास करके मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि आम जनता की जमीन उद्योगपतियों को बेची जा रही है। आदिवासियों को रोजगार मिलता था, उनको सबको एक के बाद एक प्राइवेटाइज किया जा रहा है। ये पब्लिक सेक्टर यूनिट हिंदुस्तान की जनता की प्रॉपर्टी है। ये नरेंद्र मोदी जी उनकी सरकार उन्हीं 2-3 अरबपतियों को पूरी की पूरी पूंजी पकड़ा रहे हैं। और मुझे लगता है थोड़ी सी देर में जो झारखंड में आपकी स्टील की इंडस्ट्री है, बोकारो है, ये सब पकड़ा के ये अपने 2-3 मित्रों को पकड़ा देंगे। तो इसके खिलाफ हम खड़े हैं। आखिरी बात और शायद सबसे जरूरी बात, जो हमारे आदिवासी भाई हैं, उनका जल, उनका जंगल और उनकी जमीन की रक्षा कांग्रेस पार्टी करती है और करती रहेगी।